इमली रेंज क्षेत्र के आरक्षित वन क्षेत्र में गोली चलने व जंगली सुअर का शव मिलने से हरकत में वन विभाग। इमली गांव में कई दिनों से वन क्षेत्र में गोली चलना व जंगली सुअर का शव सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। इसके बाद आज वन विभाग हरकत में आया। बड़ी संख्या में वन विभाग की टीम टिमली गांव और रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर ग्रस्त करती नजर आई। हाल ही में दो दिन पूर्व टिमली आरक्षित वन क्षेत्र में एक जंगली सुअर का शव बरामद हुआ, जिसे वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने टिमली गांव या फिर आरक्षित वन क्षेत्र में गोली चलना वो अफवाह बताया। वहीं ग्रामीणों की माने तो बीते सालों में कहीं भी गांव से लगते हुए आरक्षित वन क्षेत्र में शिकार की घटना नहीं हुई है और न ही गांव का कोई व्यक्ति शिकार जैसी आपराधिक घटना में शामिल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक यह घटना गांव को बदनाम करने की साजिश है। वहीं सूत्रों की माने तो कुछ आपराधिक किस्म के लक्कड़ चोरों का द्वारा अपना स्वार्थ साधने के लिए वन विभाग पर दबाव बनाया जा रहा था। सख्त मिजाज टिमली वन क्षेत्र अधिकारी के आगे लक्कड़ चोरों की जब एक न चली तो टिमली वन क्षेत्र को बदनाम करने की मंशा से लक्कड़ चोरों ने कुछ लोगों के साथ शांट गांठ कर एक सोची समझी योजना के तहत गोली चलने की बात और जंगली सुअर का शव मिलना, शव बरामद होना सोची समझी साजिश लग रहा है। वही वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश कुमार से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जंगली सुअर का शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आपसी संघर्ष में इस जानवर की मौत हुई है या फिर किसी शिकारी ने शिकार की घटना को अंजाम दिया है। डीसीपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मोहम्मद मोहसिन। टिमली वन क्षेत्र में अवैध शिकार की घटना की प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में हमारे द्वारा इस क्षेत्र में विस्तृत सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है और दो दिन पहले एक जंगली सुअर के शव भी बरामद हुआ था, जिसके बारे में हमारे द्वारा यहाँ पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध जो भी हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है और कुछ संदिग्ध हमें पता चले हैं, जिनके लिए अभी और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जानी है और पूर्ण साक्ष्य संकलन के उपरांत ही उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है। उस पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर और जो यहाँ से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई होगी उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये टिमली जो गांव है ये एक वन क्षेत्र के चारों तरफ से वन क्षेत्र से घिरा हुआ है और यहाँ के ज़्यादातर लोग वन पर जलोनी लकड़ी हेतु आश्रित है, तो हमारे द्वारा इस पर एक पूर्ण सख्ताई की गई है कि जलोनी लकड़ी का जो हक हकूक हेतु निर्धारित परिवार हैं उन्हें ही हक हकूक का लाभ मिले। किंतु देखा गया है कि यहाँ पर कुछ लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ जलोनी लकड़ी की कर रहे थे, जिन पर हमारे द्वारा सख्ताई की गई है और जिससे कि वन संपदा का कमर्शियल दोहन ना हो और ये लगातार जारी रहेगा आगे इस रोकथाम की कार्रवाई। लगभग हमको भी 30-35 साल हो गए, हमने तो कभी रात में फायरिंग की आवाज़ सुनी नहीं। सिर्फ एक बार फायरिंग की आवाज़ सुनी थी, वो भी जब गांव में कोई कांड हुआ था, मस्जिद वाला मामला, पुलिस की फायरिंग हमने सुनी थी, लेकिन उसके बाद हमने कोई फायरिंग नहीं सुनी। लेकिन जो ये मामला इन्होंने चलाया है ये बेबुनियाद मामला है। इसके बारे में पूरे गांव में आप किसी न किसी सबसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये गलत मामला उठाया उन्होंने। तर वन विभाग का व्यवहार बहुत सफलतापूर्वक रहता है, बहुत अच्छा रहता है, यहाँ तक कि जंगल से जलाने की लकड़ी वगैरह के लिए भी कभी किसी को कोई मना नहीं वो करते। दूर दूर से एक दो बार शादी की लकड़ी लेने के लिए लोग बाग आते हैं, लेकिन कभी वो मना नहीं करते, लेकिन अपनी ड्यूटी पे वो मुस्त रहते हैं। जब भी हमने देखा अपनी ड्यूटी पे ही देखा उनको। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है सर? नाम इश्तियाक अंसारी है। सच्चाई का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर गोली की या फायरिंग की आवाज़ आएगी तो फायरिंग की आवाज़ हम सभी गांव के लोग जानते हैं, अगर फायरिंग होगी तो उसकी आवाज़ बहुत ही धड़ाके से कहीं ना कहीं तक तो सुनाई देगी। अभी गांव में अगर सिर्फ दो या चार लोगों को सुनाई दे रही है तो इसमें हमें नहीं पता कितनी सच्चाई हो सकती है। गांव में तो 5000 की आबादी, उसमें से 500 लोगों को तो सुनाई देती। अगर फायरिंग की आवाज़ होती तो तकरीबन 500 घरों में, 200 घरों में, 100 घरों में किसी न किसी को तो सुनाई देती। अगर वो सिर्फ दो या चार लोगों को सुनाई दे रही है तो ये कोरी अफवाह हो सकती है। साजिश का तो हम ये तो जांच का विषय है, अगर इस पर जाँच हो तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। हाँ ये सच है कि 100 तो मिला है,
लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो शिकारियों ने किया है या फायरिंग से हुआ है।